हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन सीरीज जो स्टैटिक वाले हम कुछ कंपोनेंट्स कवर कर रहे हैं उसमें आज बारी है इकोनॉमी की। एंड हम टॉपिक कवर करेंगे इसमें IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये एक ऐसा एक टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि बात समझ नहीं आ रही। मेरे हिसाब से आसान टॉपिक है और इसी का IIP की न्यू सीरीज आई है, 2011-12 सीरीज बोलते हैं। इसके बारे में बात करेंगे, क्या बदलाव हुए हैं क्या नहीं, कुछ बदलाव किए गए हैं IIP में, वो अब हम सब डिस्कस करेंगे क्विकली। ठीक है, तो IIP होता क्या है? जैसे ये देखो वर्ड लिखा है इंडेक्स। इंडेक्स क्या चीज होती है? इंडेक्स मेजर करने के लिए एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है इंडेक्स। जैसे मान लो कि हम स्टॉक मार्केट के लिए सेंसेक्स यूज करते हैं कि सेंसेक्स बताता है हमें स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ऐसे ही एक इंडस्ट्रियल हमारे देश में जनरल लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्या चल रही है वो हम IIP से देख सकते हैं। थोड़ा ये शॉर्ट टर्म वाली बात करता है, लॉन्ग टर्म की बात नहीं करता है। शॉर्ट टर्म की अगर हम देखें पिछले 6 महीने में तो कैसा हमारा जो इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन का आलम रहा उसके बारे में बात करता है। ठीक है, उसका इंडेक्स है। IIP बढ़ता है तो हम बोलते हैं अच्छी बात है कि हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ रही है एंड वाइस वर्सा। तो अब इसको इसको रिलीज कौन करता है? CSO, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये? MoSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, MoSPI के अंडर आता है। और इसको अब IIP को क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं। ठीक है, ये दोनों तरीके समझ लो, बहुत ही आसान तरीके हैं, दो तरीके से समझ सकते हैं IIP को। एक तो सेक्टर वाइज एंड यूज बेस्ड। जैसे सेम चीज को इसमें, जैसे मान लो कि आपके पास इसमें 400 अगर 409 अगर आइटम्स हैं टोटल। अब इंडेक्स नापते कैसे हैं? तो कुछ नंबर ऑफ आइटम्स हैं जो CSO ने डिसाइड की हुई है कि हम इसको फोकस करेंगे इन आइटम्स पर, एंड देन इसको देखते हैं कि अच्छा ओवरऑल अगर ये अगर इसमें सभी के, जैसे मान लो कि एक आइटम ए, एक आइटम बी, सी, डी, ई, ऐसे करते करते 409 आइटम्स होंगी, तो जितनी भी होंगी ना, ठीक है वो आगे देखते हैं हम, तो ये बहुत सारी आइटम्स होंगी, तो ये इसको इसको कैप्चर करने की ट्राई करते हैं कि इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज। अब हर एक चीज को लेकिन सेम तरह से कैप्चर नहीं करते। जैसे अब लेट्स से ये इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है इसको ज्यादा वेटेज अटैच किया हो। वेटेज अटैच करने का मतलब क्या होता है कि इसके साथ ज्यादा इंपॉर्टेंस अटैच की गई है कि अगर ये ऊपर जाए तो IIP में ज्यादा फर्क पड़े और अगर ये नीचे आए तो IIP में ज्यादा गिरावट आए। अकॉर्डिंगली वेरियस चीजों की वेरियस वेट अटैच किए होते हैं। एंड अब आप इन सब चीजों को, इन सब चीजों को आप सेक्टर वाइज भी देख सकते हो, इनके यूज वाइज भी देख सकते हो कि ये कौन से सेक्टर में, लेट्स से ए हो सकता है ए मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो, ठीक है। एंड अगर यूज बेस्ड अगर बात देखें तो हो सकता है कि कोई ड्यूरेबल प्रोडक्ट बन रहा हो। सभी बातें समझ आएंगी, बस आप देखो क्विकली वीडियो। ठीक है, सेक्टर वाइज अगर वेटेज की बात करें हम वेटेज पैटर्न आर मिसिंग हो गया हमारा। ठीक है, सेक्टर वाइज में ये कौन सा सेक्टर कवर करता है? 3 सेक्टर हमारी पूरी जो IIP में, जो हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करनी है, 3 सेक्टर्स में हमने डिवाइड कर दी, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 कभी मत भूलना, ठीक है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर मैं यूज वाइज बात करूं, यूज वाइज ये आप इसमें देखो कौन सी 6 चीजें आती हैं इंपॉर्टेंटली। कौन सी? प्राइमरी गुड्स क्या होते हैं, आपको बताऊंगा प्राइमरी गुड्स क्या होते हैं। इनको पहले बेसिक गुड्स कहा जाता है, ठीक है, और उसके बाद आते हैं कैपिटल गुड्स, देन इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स। ये नया ऐड किया गया है 2011-12, उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स नाम की कोई चीज नहीं थी। एंड देन इंटरमीडिएट गुड्स, देन कंज्यूमर गुड्स। इसके 2 पार्ट हैं आगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स। बहुत ही बेसिक चीजें। अगर मैं आपको फटाफट से यही समझाऊं, प्राइमरी गुड्स कौन से होते हैं? जो बिल्कुल जो नेचर से डिराइव किए गए हैं, नेचर से डिराइव करके अभी इन पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग कुछ भी करोगे आप, उसके बाद उनको भेज दोगे इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आयरन ओर निकाला, आयरन ओर निकालने में मेरे कुछ जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वगैरह कुछ तो हुई, लेकिन लेकिन आयरन ओर डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होता, आयरन ओर पर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, उसको आप स्टील बनाते हो, स्टील इंडस्ट्री में जाता है एटसेट्रा। जो ये बिल्कुल नेचर से डिराइव चीजें हैं इनको प्राइमरी गुड्स कहा गया, ये आपने GDP में पढ़ा था, ठीक है जी। ओके, देन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ये वो चीजें हैं जो मशीनरी वाली बात हो रही है, मशीनरी जो फैसिलिटेट कर रही है, हैवी मशीन, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको आगे हम और डिटेल में आपको एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, जो फैसिलिटेट करवाएंगे प्राइमरी गुड्स को। लेट्स से कि मैंने माइनिंग करने के लिए मुझे एक क्रेन चाहिए थी, मुझे और एक जो लेट्स से हैवी कोई ट्रक्स चाहिए थे सामान को यहां से वहां ले जाने के लिए, जो आयरन ओर निकाला मैंने, तो वो सभी कैपिटल गुड्स का पार्ट बन गए। जो अब इंडस्ट्री में मशीन चल रही हैं, कुछ कटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वो सभी कैपिटल गुड्स का पार्ट है। ऐसी मशीन्स जो बाकी सब काम बनाने में आपकी मदद करें, ठीक है। ओके, अब उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कंज्यूम हो जाती हैं चीजें, तो उसके बारे में एग्जांपल देखें। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ये नई एक चीज ऐड हुई है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब ऐसा देखें तो अगर है तो ये फास्ट, जो
से कि ये फाइनल से प्रोडक्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये यूज होंगे, एज सच इनका कोई यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नट बोल्ट, नट बोल्ट कहीं ना कहीं यूज होगा ना, कहीं किसी चीज को कसने के लिए बनाए जाएंगे, एज सच तो नट बोल्ट का कोई यूज नहीं है। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल प्राइमरी है, नेचर से डिराइव करते हैं इनको हम, ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं है कि इनको डायरेक्टली कंज्यूम कर लोगे आपके, आप जैसे टीवी फ्रिज की जैसे कंज्यूम नहीं कर सकते, इन्हें इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। एंड देन कम्स आपके कंज्यूमर, कंज्यूमर गुड्स, जैसे अब आपका लेट्स से टीवी फ्रिज, ये कंज्यूमर गुड्स हैं आपके। तो अगर ये ऐसा नहीं है कि पेरिशेबल नहीं है कि बाहर रख दोगे खराब हो जाएंगे, ऐसे नहीं है, अगर तो ड्यूरेबल है तो उनको कंज्यूमर ड्यूरेबल कहते हैं। अगर बाहर रखकर खराब हो जाएंगे लेट्स से आपके जैसे दूध वगैरह, दूध के प्रोडक्ट्स, घी वगैरह, तो वो नॉन ड्यूरेबल्स कहलाते हैं, तो वो अलग तरह से क्लासिफाई होते हैं आईआईपी में, ठीक है। याद रखना ये प्राइमरी, कैपिटल, इंफ्रा, इंटरमीडिएट एंड कंज्यूमर गुड्स, दो तरह के ये यूज वाइज है पैटर्न, इनकी आगे वेटेज भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। ओके, पहले 399 आइटम्स थी, उसमें 407 कर दी गई हैं आइटम्स, 149 नई चीजें ऐड हुई हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जमाना आगे बढ़ रहा है, नई नई तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो पहले वाले प्रोडक्ट्स कैप्चर नहीं हो पाते थे, अब कैप्चर होने शुरू हो गए हैं, अब ज्यादा यूजेज में आते हैं, तो 149 न्यू आइटम्स आ गई हैं और 124 पुरानी आउटडेटेड आइटम्स हटा दी गई हैं, ठीक है। तो कुछ नई चीजें एंट्री हुई है, तो कुछ चीजें बाहर भी गई हैं, ठीक है। और ये 9th रिवीजन है, अभी तक मैंने बता देता हूं ये, क्योंकि कुछ नहीं पता प्रीलिम्स में आजकल क्या क्या पूछते हैं क्या क्या नहीं पूछते। 9th टाइम ये आईआईपी का बेस ईयर रिवाइज हुआ है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को भी इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अदरवाइज कैप्चर करना बड़ा मुश्किल है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कॉन्ट्रीब्यूशन अब ये बीच में इंक्लूड करना शुरू कर चुके हैं। एंड उसके बाद माइनिंग सेक्टर में अब 29 मिनरल की बात होती है, पहले 61 थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है, ध्यान से सुनना। माइनिंग में अभी जो आपने पढ़ा था पीछे प्रीवियसली, अगर मैं यहां पर आपको पॉज करके दिखा कि अगर सेक्टर वाइज अगर देखें हम, तो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी तीन तरह से डिवाइड हो सकता है। तो अब यहां देखें न्यू सीरीज में तो 29 मिनरल्स रह गए हैं, पहले कितने थे 61। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई है, कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स को निकालकर माइनर मिनरल्स बना दिया गया है। तो अब यहां पर ऐसा क्यों किया 27, क्योंकि नॉन मेटालिक मिनरल्स से पहले उनको जो MCDR होता है, मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स होते हैं, ये एक्ट अमेंड हुआ और उसके कारण अब ये क्या बन गए हैं, ये माइनर मिनरल्स कहलाते हैं। अब ये माइनर मिनरल्स 27 नॉन मेटालिक मिनरल्स को माइनर मिनरल्स कह दिया गया है और ये परव्यू के बाहर हो गए हैं। अब इनको कैप्चर नहीं करता इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, तो आईआईपी भी कैप्चर नहीं करेगा, 29 मिनरल्स ही सिर्फ कैप्चर होंगे, 27 बाहर, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है न्यू सीरीज में इलेक्ट्रिसिटी में, क्या है कि अब रिन्यूएबल एनर्जी वाली इलेक्ट्रिसिटी भी शामिल की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है, फैक्ट्स हैं बहुत, बिल्कुल देखो आप रटने वाले फैक्ट्स हैं, रट लोगे कोई नुकसान नहीं है, पेपर में आ जाएगा, तो हमें ये सवाल आता होगा। ओके, अब आपको क्विकली मैं समझाता हूँ वेरियस टाइप ऑफ गुड्स, प्राइमरी गुड्स क्या होते हैं, डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं जो आपको, है ना, वो वाली बात होती है, इन पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग वगैरह की जाती है, तो और आगे ये दूसरे सेक्टर्स में जाके काम होते हैं, और इसलिए ये अब बेसिक गुड्स हुआ करता था पहले 2004-05 वाली सीरीज में, उसको रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि वो कहते हैं बेसिक गुड्स थोड़ा सा एम्बिगुअस है, थोड़ा सा क्लियर एक डिस्टिंक्शन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंटरमीडिएट गुड्स भी बेसिक गुड्स के कैटेगरी में आ जाते हैं, तो बेसिक और इंटरमीडिएट में काफी कंफ्यूजन रहती है, तो प्राइमरी गुड्स अलग बना दिया गया। एग्जांपल क्या है, जैसे ओर्स, मिनरल्स, है ना, और उनके जो कॉन्सेंट्रेट्स जो आगे जिनको प्योर करके साफ किया जाता है और आगे से मिनरल निकालते हैं, फ्यूल, बहुत सारे जो फ्यूल निकल रहा है वो भी डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होता ना, प्राइमरी नेचर से निकाल रहे हो, आगे कहीं और यूज होगा। देन इलेक्ट्रिसिटी, ये सब याद रखना, ये प्राइमरी गुड्स के एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, आप जाके कंफ्यूज हो सकते हो पेपर में कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आएगा, कहीं ये कंज्यूमर गुड तो नहीं है, कहीं कैपिटल गुड तो नहीं है, नहीं, ये प्राइमरी गुड्स में आएगा, ठीक है, इसको भूलना मत, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए मैंने यहां लिखी है, डायरेक्टली जो मॉस्पी की साइड से उठाया है वहीं से ही बनाया हमने, ठीक है। कैपिटल गुड्स कौन से हैं, ये जैसे प्लांट्स, मशीनरी, वो वाली चीजें जो कि फर्दर आगे चीजों को बनाएंगी, जैसे अगर ऐसी मैं कोई मशीन बनाऊं जो मशीन आगे लेट्स से ग्लास बना रही है, लेट्स से लैपटॉप बना रही है, कोई पेन पेंसिल बना रही है, तो वो जो मशीन होगी वो कैपिटल गुड कहलाएगी, जो सब कुछ बना रही है, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे बॉयलर्स, एयर गैस कंप्रेसर, जो हैवी इंडस्ट्री में जो सामान लगा हुआ है, और उसके बाद वेरियस तरह के इंजन्स, और ट्रैक्टर्स, जो ट्रैक्टर भी आगे फर्दर सामान बनाने के लिए प्रोड्यूस होता है, और ट्रांसफार्मर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे मैं स्टार लगा रहा हूं कमर्शियल व्हीकल्स पर, कमर्शियल व्हीकल कैपिटल का पार्ट है। लेट्स से आपने जाके मारुति खरीदी, आप घूमने चले गए, ऑल्टो खरीदी, तो वो कौन सा है, क्या वो कमर्शियल व्हीकल है? नो,
जो आपका कमर्शियल व्हीकल जैसे लेट्स से ट्रक्स है ना, ये वाली सब चीजें ये आती हैं कैपिटल गुड्स में। आपके टू व्हीलर, आपके फोर व्हीलर जो नॉर्मली गाड़ियां खरीद रहे हो आप, आपने स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी, तो ये गाड़ी नहीं आती कैपिटल गुड में, सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स ही आएंगे जो हैवी जो ड्यूटी काम करते हैं, जनरली इंडस्ट्रीज में ही यूज होते हैं। एंड देन टेक्सटाइल बनाने के लिए कोई प्रिंटिंग मशीनरी, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दी ताकि थोड़ी क्लैरिटी हो आपको कैपिटल गुड्स की। एंड देन कैपिटल गुड्स के बारे में बात करें तो ये आगे जितना इनको अपग्रेड करोगे उतनी आपकी इंडस्ट्री बेटर चलेगी। अगर आप घिसी पिटी पुरानी मशीनरी पर ही काम करते रहोगे देश की मैन्युफैक्चरिंग भी घिसी पिटी होगी, तो इसीलिए इसको अपग्रेड करना बहुत जरूरी है ताकि देश की कंपेटिटिव एज बने, है ना, और कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ही जरूरी है, और ताकि कंट्री सेल्फ रिलायंट रहे, टेक्नोलॉजिकली भी कंट्री आगे बढ़ेगी तो कैपिटल गुड्स भी आगे बढ़ेंगे। एंड इसलिए इसको कहा जाता है कैपिटल गुड्स में मल्टीप्लायर इफेक्ट है। मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब कि जैसे जितना आप अच्छी मशीनें बनाओगे उतनी आपकी इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है, उतने आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, एंड उतने ऑर्डर्स आ रहे हैं अकॉर्डिंगली तो आपकी इकॉनमी उतना ही ग्रो कर रही है। तो जो ये जो मशीन कैपिटल गुड्स बनाने के लिए भी तो कुछ इंडस्ट्री चाहिए होगी, कोई जो मशीन आपका कोई सामान बना रही है, लेट्स से कोई मशीन आपके पेन पेंसिल वगैरह कुछ भी बना रही है, तो वो मशीन भी तो कहीं ना कहीं बनी रही है, उसके लिए फिर फर्दर मशीनें चाहिए होंगी, तो अकॉर्डिंगली मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कैपिटल गुड्स का। तो और इसीलिए इंडिया ने कैपिटल गुड्स पॉलिसी भी निकाली 2015 में, उसको भी जाके आप गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये हमें उम्मीद थी कि मेंस में आएगा, लेकिन मेंस में ये इज एज सच इतना नहीं पूछा गया, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स पॉलिसी के बारे में आप एक बार देख लेना, तो इसलिए मैं यहां छोड़ रहा हूं उसको, आगे बढ़ रहे हैं हम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्शन गुड्स हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में यूज होते हैं या फिर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के इनपुट हैं, एग्जांपल देख लेते हैं इसके कौन से हैं। और ये जनरली क्योंकि ना ये कंज्यूमर ड्यूरेबल का पार्ट नहीं बन सकते, इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट नहीं बन सकते, इसीलिए एक सेपरेट कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ी। एग्जांपल है जैसे पेंट, सीमेंट, केबल्स, ब्रिक्स, टाइल्स, है ना, रेल मटेरियल, जो जो रेलिंग, जो रेल नीचे जिस पर रेल चलती है, पटरी जिसको बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें एज सच क्लासिफाई नहीं हो सकती कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी, ना ही इंटरमीडिएट में भी, क्योंकि लग तो रही है। जैसे मान लो कि अगर आपने घर में ईंटें लगानी है तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल नहीं है ना, ऐसे नहीं है कि आप खाने पीने टाइप वाली चीज़ें नहीं है ये, तो अकॉर्डिंगली एक सेपरेट कैटेगरी की रिक्वायरमेंट थी बना दी गई है। और अब इसके बियॉन्ड अगर देखें इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं, जो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट हैं, अभी अपने आप में फाइनल नहीं है, लेकिन हेल्प करते हैं आगे फिनिशिंग में और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, क्योंकि ये इनपुट की तरह यूज होते हैं। एग्जांपल जैसे आपने अगर कॉटन की यार्न, यार्न मतलब जो आपने जो जो थान बना ली, कपड़ा बना लिया, फाइबर वगैरह जो भी बना के फाइनल कर दिया, एज सच यूज नहीं सकता, उसको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, बटन बुटन लगाकर उसकी कटिंग करके उसको शर्ट बनाओगे, पैंट बनाओगे अकॉर्डिंगली, प्लाईवुड, स्टील की ट्यूब पाइप, एज सच को यूज नहीं है उनका, लेकिन हाँ आप कुछ फाइनल प्रोडक्ट बना के कुछ काम हो जाते हैं, फास्टनर्स जो मैं आपको नट बोल्ट बोल रहा था, ठीक है। ये सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं जो एज सच फाइनली कहीं कंज्यूम नहीं होते, लेकिन इन बिटवीन ये कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेंगे। देन कम्स योर कंज्यूमर ड्यूरेबल। कंज्यूमर ड्यूरेबल क्या होते हैं, जिनकी थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी होती है 2-3 साल तक, जैसे आपका प्रेशर कुकर, आप रोज यूज करते हैं उसको, ये तो है ना कि बाहर रखोगे खराब हो जाएगा, एयर कंडीशनर, टायर्स, टेलीफोन, मोबाइल, टीवी सेट्स, पैसेंजर कार्स, देखा पैसेंजर कार्स आ गई आपकी, मारुति ऑल्टो यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आपकी वो जो अगर आपका, अगर मैं ट्रक की बात करूँ या ट्रैक्टर की, वो यहाँ नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा, कैपिटल में, कैपिटल गुड है वो। एंड टू व्हीलर्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर सब यहाँ डाल दिए, ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, ये सभी कंज्यूमर ड्यूरेबल में का पार्ट है, ज्वेलरी ऑफ गोल्ड याद रखना। एंड जनरली ये पैसेंजर कार्स, टू व्हीलर्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये पक्का ही ध्यान रखना, ठीक है, ओके। नॉन ड्यूरेबल भी होते हैं, जो जिसको ड्यूरेबल मतलब ज्यादा देर तक नहीं रख सकते आप, ठीक है, कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स, जैसे सोयाबीन ऑयल है ना, क्रीम, स्किम्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क, मिल्क पाउडर, मैदा, मिल्क पाउडर की फिर भी शेल्फ लाइफ है, लेकिन देर सवेर तो उसमें अगर लच्छे अगर मॉइस्चर वगैरह आ जाए खराब बहुत जल्दी हो जाता है। मैदा, राइस, बिस्किट्स, कुकीज, शुगर, टी, सिगरेट्स, तो आप कहीं ना कहीं इमेजिन करना शुरू करो, एक्सेप्शंस होती हैं, आप कहोगे लेट्स से कि अगर मैं मैदा को मैदा रखे रखूं, चावल रखे रखूं 2 साल तक, तो अगेन कहीं ना कहीं आप इमेजिन कर रहे हो कि थोड़ा ये कंज्यूमेबल, नॉन ड्यूरेबल, पेरिशेबल चीज़ों का पार्ट ही है, कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगे, इनमें कुछ खाने की वजह से कुछ वो होता है ना, जो पेस्ट वगैरह आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, खराब हो सकते हैं, लेकिन वो जो नॉन ड्यूरेबल थे और जो ड्यूरेबल है वो ड्यूरेबल अलग चीज़ है, थोड़ा इमेजिन करना शुरू करो। एंड क्योंकि एक्सेप्शंस हो दिमाग में आपके रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। तो आंसर्स जो अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करते हैं हम, ठीक है, ओके। अब सेक्टर वाइज ग्रुपिंग देख लो एक बार ही, सेक्टर वाइज 2004-5 और 2011-12 के हिसाब से मैं आपको लेके आऊं, वही तीन सेक्टर है अपने, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी पहले आइटम 61 थी, आपको बता दिया मैंने, 29 रह गई, मैन्युफैक्चरिंग में आइटम बढ़ा दी गई है, इलेक्ट्रिसिटी तो चलो पहले भी एक थी आज भी एक ही है, ठीक है।
टोटल कितने हुए यहां पर हमारे 399, अब यहां पे कितने हो गए 407, ठीक है। तो 407 आइटम ग्रुप्स हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं वो उनको ग्रुप करके एक एक जैसे 620 आइटम है तो ग्रुप करके 397 चीजें बना दी गई हैं, ठीक है। ओके, ऐसे जैसे यहां 809 थी तो ग्रुप करके 405 बना दिए गए हैं, अप्रोक्सीमेटली आधे ही कर दिए गए। तो अब वेट देख लो एक बार यूज वाइज, अगर ग्रुपिंग का अगर देखना एक बारी कि अगर यूज वाइज हमारे पास प्राइमरी इंडेक्स है कैपिटल इंटर सॉरी प्राइमरी जो गुड्स है हमारे पास कैपिटल इंटरमीडिएट इंफ्रा कंज्यूमर ड्यूरेबल कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 छह चीजें होंगी। सबसे यहां पे देखो ज्यादा वेट किसका है प्राइमरी का 34%। देन अकॉर्डिंगली इसको एक बार पेज को यहां पे थोड़ा स्टॉप करके एक बार देख लेना कि वेटेज वाइज क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरे एक एक आइटम का हमने यहां पे ट्राई किया है टोटल करके लगाने की और टू द सेकेंड डेसिमल एग्जैक्ट है। ये पेपर में ये बहुत बार पूछ चुके हैं इसलिए हमने इसको थोड़ा सा और एम्फसाइज किया। यूज वाइज जो प्रीवियस क्या था सेक्टर वाइज इसकी वेटेज क्या है ये आप मुझे ढूंढ कर बताओगे कमेंट्स में, ये आप थोड़ा सा काम करोगे, ठीक है। इसकी वेटेज क्या है कि कितनी वेटेज माइनिंग की है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग की, कितनी इलेक्ट्रिसिटी की, छोटा सा काम है, आराम से सर्च करोगे आराम से मिलेगा आपको, इसी बहाने रीड भी होगा। यूजेज वाइज आपको मैंने बता दिया क्योंकि ये इतना इजीली अवेलेबल नहीं था लेकिन मैंने आपके लिए ले आया, ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है, ओके, ठीक है। अब कोर इंडस्ट्री बस फाइनल अपनी स्लाइड है। कोर इंडस्ट्री क्या होती है, ये एक ऐसा जैसे इंडस्ट्री है जो 8 बेसिक इंडस्ट्रीज को हम कोर बोलते हैं अपने देश की और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कोल वगैरह बहुत सारी चीजें आती हैं, 8 बेसिक इंडस्ट्रीज फर्टिलाइजर्स। तो इन कोर इंडस्ट्री ये जो कोर इंडस्ट्री है ये भी आईआईपी का पार्ट तो है ही है क्योंकि हमने देखा आईआईपी में कितनी सारी चीजें होती हैं 407-9 जितनी चीजें थी ये आप याद कर लोगे, ठीक है। इतनी चीजें थी उसमें से कुछ जो जैसे लेट से ये वाली चीज और ये वाली लेट से चीज ये कोर इंडस्ट्री में जो 8 इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास लेट से आयरन लेट से कोल फर्टिलाइजर इलेक्ट्रिसिटी इसका पार्ट भी तो हो सकती है कि ये कोर इंडस्ट्री का पार्ट है तो ऐसे कोर इंडस्ट्री की टोटल हमारे पास वेटेज पहले कितनी हुआ करती थी 38%। ये यूपीएससी ज्यादा नहीं तो ये 4-5 बार सवाल पूछ चुका है कि कोर इंडस्ट्री की वेटेज कितनी थी आईआईपी में 38%। जो चीजें आईआईपी के अंदर थी वो कोर इंडस्ट्री का पार्ट थी, अब ये वेटेज थोड़ी सी ऑल्टर हो गई है, कितनी हो गई है 40.27 40.27। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है इसको भूलना मत, मेजॉरिटी अभी भी ये जा रहे हैं क्योंकि रिवाइज कर दिया गया है 40.27% कोर इंडस्ट्री का हमारा वेट है और इलेक्ट्रिसिटी की वेट अभी भी मैक्सिमम है, फर्टिलाइजर अभी भी काफी चल रहा है पीछे, ठीक है। लास्ट में तो इलेक्ट्रिसिटी पूछ चुके हैं फर्टिलाइजर भी पूछ चुके हैं, ये कि जो फर्स्ट और लास्ट भी कोर इंडस्ट्री के बारे में पूछ चुके हैं, बाकी स्टील रिफाइनरी प्रोडक्ट्स क्रूड ऑयल कोल सीमेंट नेचुरल गैस ये बाकी आपको ये पूछ चुके हैं कि इसमें से कौन सी चीजें कोर इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, ठीक है। याद रखना ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये 8 चीजें भूलना मत, नोट्स बनाओ लिखो इसको, ठीक है। एंड आपने मुझे सिंपली बस एक छोटा सा काम आपको मैंने होमवर्क दिया है वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएंगे, वेट जो वेट बताओगे आप मुझे अकॉर्डिंग माइनिंग का कितना है मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना छोटी सी आज अटेम्प्ट था आपको आईआईपी समझाने का, बहुत ही जल्द मिलेंगे एंड आप सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, थैंक्स अ लॉट।